नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टी छाला यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा, हार्टून की हर प्रकार की तैयारी हम यहां पर करवाते हैं। और आज जो इस समय हम तैयारी करवाने जा रहे हैं, आपको बता दें, ये है हार्टून SETC टेस्ट को लेकर अब बड़ी अपडेट है। और फार्म की जो लास्ट डेट है वो भी जा चुकी है, आपको पता भी होगा सभी को। और इसमें यही मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो टेस्ट है उसकी पूरी जानकारी, पूरी तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ये आज है जो पहला हमारा क्विज है, आएगा पार्ट वन है, जहां से स्टार्ट है। और आपको पता होगा, आप वहाँ पर दो टेस्ट होते हैं। पूरी जानकारी मैं देता रहूँगा, पूरी जानकारी मैं देता रहूँगा लगातार। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, द डाटा इन कंप्यूटर कैन नॉट बी स्टोरेड। देखिए ऑप्शन मिलते हैं आपको, वहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आएगा भाई अलग अलग फिलोपी, हार्ड डिस्क, क्या पता क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगा, ये ऊपर होगा जो पीला बैकग्राउंड और लाल रंग है वो तो मेरा क्वेश्चन रहेगा, और नीचे जो रेड बैकग्राउंड है और ये पीला फॉन्ट है, ये रहेगा मेरा आंसर, ये रहेगा मेरा आंसर। तो आपको पता ही है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और ये बता दूं, क्वेश्चन जो होता है वो उल्टा भी हो सकता है, इनके आंसर को क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को आंसर बनाया जा सकता है। लेकिन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डाटा इन कंप्यूटर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। ये कहना चाहता है, ऑप्शन जो दिए हैं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कंप्यूटर का डाटा कैन नॉट बी स्टोर नहीं किया जा सकता या इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होगा, मोनिटर। मॉनिटर क्या होता है, एक हमें केवल चीज़ें दिखाता है, स्क्रीन होती है वो एक दिखाता है हमें यहाँ पे क्या है, उसमें कोई डाटा ना इनपुट, उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, इनपुट ही बोल सकते हैं, उसमें डाटा स्टोर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाता है कि मॉनिटर या LED जो भी है वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो आप उसको बोलोगे कि आउटपुट डिवाइस, आउटपुट क्या होता है, दिखाना, किस चीज़ को दिखाना। तो ये आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, और मॉनिटर में डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेंस। इसमें पूछा गया है कि जो पहली जनरेशन है कंप्यूटर की कंटेंस, उसमें आपको ये बहुत से साथियों के सवाल आते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है, एक ये है, एक और नाम आता है। देखिए वहाँ पर अगर जहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया तो आपको एक वैक्यूम मिलेगा या दूसरा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना है वैक्यूम ट्यूब। और बहुत से साथी ऐसे होते हैं हमारे जो गूगल में इन क्वेश्चन को सर्च करते हैं, फिर बोलते सर ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, अरे उसकी गहराई में जाइए, उसने क्या बताया गया है, ये क्या है। देखिए जो ऑथर होते हैं अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जवाब अलग बनता है। तो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेन वैक्यूम ट्यूब, इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, ठीक है। पहला टेस्ट जो पार्ट वन है वो MSQ होता है, दूसरा टाइपिंग का होता है। पहला टेस्ट पास करोगे तो दूसरे एग्जाम में आप बैठ सकते हो। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑक्युपिड, पूछा गया कौन सा वो ऑक्युपिड जनरेशन है जो भी है कंप्यूटर है। और देखिए फर्स्ट जनरेशन का तो आएगा लार्ज स्पेस। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेन। पहले में तो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में पूछा गया द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेंस, आंसर आएगा ट्रांसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पे थर्ड जनरेशन आ गया, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेंस। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको नोट कर लीजिए ध्यान से अच्छे से। इसका आएगा इंटीग्रेटेड
सर्किट्स, यानी कि इंटरग्रेटेड सर्किट्स। सर्किट्स का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है चक्कर, बिजली की धारा का मंडलाकार पथ, परिभ्रमण, ये कुछ इसके जो अर्थ होते हैं। सर्किट होता है ये, इसको सर्किट बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंटेंस। जनरेशन की बात चल रही है यहाँ पर, लगातार पहली से लेकर फिफ्थ पर हम आ चुके हैं, तो इसमें आंसर आएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या आएगा? माइक्रो प्रोसेसर। ये फोर्थ जनरेशन की बात यहां पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कीबोर्ड हैव नंबर ऑफ फंक्शन की। जो फंक्शन कुंजियां, फंक्शन की हम बोलते हैं, वो कीबोर्ड में कितनी होती है? ये होती है 12, यानी कि 12। और आपको बता दूं, ये जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसके ऊपर होता है आपको F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। इनके ऐसे ये 12 होती है, जो ऐप से स्टार्ट होती है, फंक्शन कुंजियाँ 12 होती है हर कीबोर्ड में, किसी में कम ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द 5.25 फ्लोपी कैन स्टोरेज डाटा अप टू, यानी कि जो फ्लोपी होती है 5.25 इंच की, ये कितना डाटा स्टोर इकट्ठा कर सकती है? तो सब क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, यहाँ पे हिंदी को हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। और ये क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन या SSC CGL कहीं और भी आते हैं तो आपको भी दिक्कत ना आए। तो जो 5.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है, वो 1.2 MB डाटा इकट्ठा ये स्टोर उसके अंदर अपने अंदर रख सकती है। नेक्स्ट, द सीडी रूम कैन स्टोर डाटा अप टू। जो सीडी रूम होता है, आप देखा होगा, वो कितना डाटा इकट्ठा कर सकता है, उसके अंदर अपने अंदर समायोजित कर सकता है। तो आपने कोई सीडी, एक होता है DVD, एक होता है सीडी रूम। तो सीडी को देखिए, DVD क्या होता है, DVD तो हो जाती है 4 GB तक की, लेकिन जो सीडी होती है उसमें केवल 700 MB तक का डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है, आप चीज़ को देख भी सकते हो। नेक्स्ट, द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर को आप जो भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो? मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीन के लेवल की जो लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, द मशीन लेवल लैंग्वेज ऑफ, जो मशीन लैंग्वेज है वो, उसको उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको अलग अलग हैं, लेकिन आपने करना है 0.1, यानी कि 0.1। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रिलेशनशिप, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक रिलेशन है बिटवीन किसके बीच, यूजर यानी कि जो प्रयोगकर्ता, एंड मशीन, एंड मशीन। यानी कि जो यूजर करता और मशीन के बीच का जो संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ, कितने प्रकार का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। बिल्कुल आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे बिल्कुल डिटेल में। बात आती है MS-DOS इज, MS-DOS क्या है? देखिए, आपको बता दें, आप उसकी फुल फॉर्म पूछा गया है, आप बतानी पड़ेगी आपको। और MS-DOS में आप क्या कर सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, MS-DOS के बारे में बताएंगे आपको, सिंगल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक एकल जो एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विंडोज, विंडो क्या है? GUI, ठीक है, क्या है ये GUI? फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो होता है विंडोज, विंडो क्या है,
उत्तर आएगा जीयूआई या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या पूछा जा सकता है आपको जीयूआई फुल फॉर्म क्या है, जीयूआई स्टैंड फॉर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, फिर आ गया इस क्वेश्चन पे, ये थोड़ा गलत हो गया भाई। देखो यहाँ पे ये जी है, ठीक है ना, क्या है, दोबारा क्वेश्चन आ गया। एम एस डॉस इज क्या है, जी यू आई, क्या है ये जी यू आई ग्राफिकल जो भी है, पीछे मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही वो क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ फुल फॉर्म दिखाई गई है, साथ में वहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या विंडो इज, और ये जो सॉरी ये क्वेश्चन, एम एस डॉस इज क्या है, जी यू आई, ये जी है भाई, सी नहीं है, जी आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वर्जन ऑफ एम एस डॉस 6.22 वाज इन, ये जो कब था आंसर आएगा लास्ट वर्जन का, ये 1994 यानी कि 1994 में था ये एम एस डॉस का ये जो वर्जन है। वर्जन क्या होता है, ये अपडेट होते रहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल कमांड आर स्टोरेड इन, आंसर आएगा command.com। अगला है डेट इन एम एस डॉस इज, आंसर आएगा इंटरनल कमांड, बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला आएगा डी आई आर पी जो भी है, डिस्प्ले द फाइल, उत्तर आएगा पेज वाइज। ये एम एस डॉस में आपको देखा भी हो, किया भी हो बहुत साथियों ने। और तो प्रिय साथियों, यहाँ पे ACTC का हार्टन का जो एग्जाम है उसका पहला क्विज खत्म हुआ, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कहीं से भी कोई किताब ले लीजिए, हार्ट रन का कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते अगर जब तक आपको कंप्यूटर नहीं आता। और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आती हैं और करेक्ट आएगी वही चीज़ें। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। और आपको ये हमारा पहला वीडियो आज का कैसा लगा, 2021 का है, हालांकि हम पहले वीडियो बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियो पेश करूँ। तो इसलिए आज का पहला वीडियो ACTC 2021 एग्जाम के लिए, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कहाँ पे एम्प्लॉय है और आपने किस ज़िले से फॉर्म भरा है।